में पाके रू अब तो नशी आ गई है, सारे तन बदन में खुशी छा गई है। तेरी एक नजर का है जादू शहंशाह, हकीकत की हमको समझ आ गई है, बिना नाम बिल्कुल ही बिना नाम बिल्कुल ही बेकार होते अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। नजर क्या मिली है, नजर तेरी होया, नजर कर गई एक जादू ही गोया। नजर ने दिखाया नजारा नजर को, नजर ने जगाया जफर भाग सोया। ना मिलती नजर ना हो, नजर ना दीदार होते अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। हमें तो खुदा के ना दीदार होते अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। बुरा हाल होता हो, 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 बुरा हाल होता बड़े ख्वार होते अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। धन्य सतगुरु के रंग से, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। भाई सिट्टू गांव भूखड़ी से कनाथ के अंदर पानी वाली मेज के पास मिले, वहां पर भाई चंद्रपाल आपका इंतजार कर रहे हैं जी। एक बच्चा है जी जिसका नाम है संदीप, 4 साल का बच्चा है, जामनी शर्ट पहने हुए है, भाई रूपा भटिंडा से गुम हो गया है जी, वो बहनों की कैंटीन से गुम हो गया है, तो अगर किसी को उसके बारे में पता है तो वो यहाँ पर इतला दे जी। प्रेमी राजेश धवन और प्रेमी राकेश धवन इंसान भजन बोल रहे हैं जी, इनके बाद श्री लाल मुकेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही है। धन धन सदगुरु तेरा ही है। साडे उपर जो किते उपकार, साडे उपर जो किते उपकार, पिता शाह सतनाम जी दिता रूनू जो, दिता रूनू जो मिठड़ा प्यार, पिता शाह सतनाम जी दिता रूनू जो मिठड़ा प्यार, पिता शाह सतनाम जी।
साडे उपर जो किते उपकार साडे उपर जो किते उपकार पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी परे असी ओगना दे पिता जी प्यारिया ओगने हारा नू तुसी सीने नाले ला लिया परे असी ओगना दे पिता जी प्यारिया ओगने हारा नू तुसी सीने नाले ला लिया साडे ओगना दा चुक लिया पार पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जे मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी करो दी असी मतलब यार सी विषय ते विकारी साडा बुरा बड़ा हाल सी कम ते करो दी असी मतलब यार सी विषय ते विकारी साडा बड़ा बुरा हाल सी साडी आत्मा नू दिता जी सुधार पिता शाह सतनाम जी जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी पिता जी प्यारे सदा तेरे गुण गावां जी एक पल याद तेरी दिलों ना भुलावां जी हो 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 पिता जी प्यारे सदा तेरे गुण गावां जी एक पल याद तेरी दिलों ना भुलावां जी सानू तक दे दे बार वधिकार पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी Thank you.
चरण च सदा लगी रहे जी प्रीत जी, चरण की धूड़ रहे दास तेरा मीत जी, हो 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 चरण च सदा लगी रहे जी प्रीत जी, चरण की धूड़ रहे दास तेरा मीत जी, मेरे सदा रहे मेरे सदा रहे मेरे सदा रहे आप जी दार पिता शाह सतनाम जी, दारू होनो जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी, दारू होनो जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी, सदे ऊपर जो किते उपकार पिता शाह सतनाम जी, दारू हुनो जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी, दारू हुनो जो मिठड़ा प्यारे पिता शाह सतनाम जी, पिता शाह सतनाम जी, पिता शाह सतनाम जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री बलदेव सिंह है जी बैंक वाले, श्री बलदेव सिंह बैंक वाले जगराओं से हैं, उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, वो 50 नंबर कमरे में चला जाए जी। श्री बलदेव सिंह बैंक वालों, जो बैंक वाले जगराओं से हैं, उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, वो 50 नंबर कमरे में चला जाए जी। श्री लाल मुकेश जी भजन बोल रहे हैं जी, इनके बाद श्री राम महेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं दीत, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बहसी, क्या बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बहसी, पहला पावन मोरा जार पा मैं दोदक सरसा, जे मैं पीर बनो मुख मोरा यार फरीदा, मेरे यार फरीदा जे मैं दोदक सरसा, तेजे पीर वालों मुख मोरा, मिलिया जद तो सतगुर, मिलिया जद तो सतगुर मैनू
मुक गया मजबूरियां, मिलिया जद तो सतगुर मुक गया मजबूरियां, मिलिया जद तो सतगुर मुक गया मजबूरियां। Thank you.
ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਨ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਨ ਬਣੋ ਸਵਾਲੀ ਇਸੇ ਦਰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਨ ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਨ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਵਸ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਵਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੋ ਛੱਡ ਬਦਲੂਆ ਦਿਲਿਆ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्री रामेहर इंसा यूपी से भजन बोलने के लिए तैयार है, भजन बोल रहे हैं जी, और इनके बाद श्री सुखजिंदर इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। एक बार फिर विनती करते हैं उन सभी भाई बहनों से जो कन्नातों से बाहर हैं, वो जल्दी आके साथ संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। सतगुरु होते रही है से देखा
जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का 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 सरोर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सरूर रहता है। आरज़ू है हमारी हर नजर देखा करे आप ही हमारे सामने हो हम जिधर देखा करे आप ही मेरे दाता मेरे दोना आप ही हो सामने हम जिधर देखा करे। एक तरफ हो सारी दुनिया एक तरफ सूरत तेरी तेरी आ, 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 तेरी इस तरफ हो सारी दुनिया एक तरफ सूरत तेरी हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें और हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें। जिस दिल में गुरु की याद नहीं दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं और है वो काफिर जो तेरी राह में आबाद नहीं। ऐ मेरे सतगुरु तेरे दम से है ताबीर हया और तू सलामत है तो मिट्टी मेरी बर्बाद नहीं। मसान जैसे खाल लोहार की सांस ले तुम फिर जान जैसे खाल लोहार की वो सांस ले और जिस दिल में गुरु की याद नहीं जिस दिल में गुरु की याद नहीं चम चाहिए उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद नहीं जिस दिल में गुरु की याद नहीं चम चाहिए उसे हम कहते हैं। बुरा है जो अपने सभी इंसानों से इंसान नहीं है
धन धन सतगुरु तेरे आसरा श्री साविंदर सिंह इंसा रागी जी हैं पटियाले वाले भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री गुरुप्रीत इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। जितने भी शादी वाले परिवार हैं उनसे विनती है कि वो 46 नंबर कमरे में जाके अपनी एंट्री करवा लें जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। संतन सतगुरु दे रही आस सत्संग जीओ पिता जी के आगमन दिवस सारे लखा लखा बधाई चौह जुगां दे मालक और जिन्नी भी साह संगत आई हुई है परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ बड़े वड्डे भाग होण बड़े चंगे कर्म कीते होण बड़ी नाम जपन वाली मां का दुध पीता होवे तां साध संगत जीओ इत्थे आण दा समा प्राप्त हुंदा जी। साध संगत जीओ आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, घर अपने खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। शब्द पढ़न लगे हैं आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो तां प्रभ पावो। रूह वाला कीर्तन होवे, सच्चाई वाला बोल होवे सतसंग जी, सच मंगल गावो तां प्रभ पावो। सोहेलड़ा जुग चारे अपने घर आया थान सुहाया, कारज शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपमन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। सत्संग जी हम कर साजन आया आप सारे ने शुरुआत करनी है, सारे ने मिलके गाने सत्संग जी फिर करी आखो धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।
सच्चे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अन दिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द तुने अनहद बाजे हम कर साजन आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गाओ आवो मीत प्यारे मंगल गाओ नारे आवो मीत प्यारे मंगल गाओ नारे सत मंगल गाओ ताप पाओ तो हिल राजु बिचारे सत मंगल गाओ शब्द सवारे कारज 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 शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्रियंजन ज्ञान महा सखी मिलो रस मंगल गाओ
बालक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। सुपन चरित बालक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन विशाल मत मधुर पे आए शुभ सी जसन पिलासन प्रेम रस विषमव सहज समाज जस के शब्द सुने अखियां उगर गई पई जल मीन गत भीरे जगा सुपन चरित्र चित्र बालक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए 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 हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे मुबारकबाद से यो आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए आज मोरे आए आया फिर मेरा आया
सत्संग जियो, पूरे वर्ल्ड च पता लग जाए घर आया पीर मेरा। जाहर पीर जगत गुरु बाबा, घर आया पीर मेरा, तन तन हमारे भाग, घर आया पीर मेरा, साह धरत पई हरियावली। वो धरती पवित्र सत्संग जियो जिथे सतगुरु हाजर नाजर बैठे हो, संत साधन पे सरसे पूरे गुरते जानी सत्संग जियो, हाजर नाजर सतगुरु। थोड़े जे चकंडे होके बैठो सत्संग जी, सोवो ना, जे मेरे ढोलकाले तो भारी चढ़ती कला ले मैंने इतना सारे उच्चे होके बोलो। तन तन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा, साथ धरती पे हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, छे जंत पे हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। सत्संग जी जिन्हें जिन्हें ने पिता जी के दर्शन कर रहे उन्होंने दुख दूर हो गए, कोड़ कटे गए, साथ जी सारे मिलके कहिए, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, सतवार जिन मानस ते देव ते कीने सपना लागी सार। आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु के प्यारे सत्संग जी जो भाई बहन कन्नाथों से बाहर हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्दी आके सत्संगत के साथ मिलकर बैठेंगे जी। कलाकार श्री दिल सिंह जी बोलने के लिए तैयार हैं। सभी वो बहन भाई जो पंडाल में खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि वो सभी यथास्थान बैठ जाएं, किसी भी भाई ने बहन में खड़ा नहीं रहना है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। सभी जाए, सभी ने सत्कार में गाना बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री शामिंदर सिंह रागी जी पटियाले वाले भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री बिल सिंह जी कलाकार हैं, भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। जो बहन भाई खड़े हो गए उन सभी से विनती है सभी बैठ जाएं। सभी वो बहन भाई जो खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि वो सभी बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी शासत नाम जी, 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 सतनाम 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 जी, शासत नाम 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 जी, निदास निदास दानिदा मादा ता मादा ता मादाने दानी दासा
ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰਗਾ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਗਰਾ ਕੰਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਦੰਗ ਬਾਜੇ ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਾਟੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਕ ਕਾਕੜਦੰਗ ਤੀਰੰਗ ਪੱਕ ਨਿਤੜਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਜੈਸਾ ਹੀ ਬਰਸੀਤ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਬਰਸੀਤ ਹਮ ਕਰ ਸਾਧਨ ਆਏ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਿਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਿਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਿਆ ਸਤਨਾਮ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰਤਾ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਧਾਮਨੋਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਥਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਥਾ ਉਹ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮਨ ਕਾ ਭਾਈ ਵੋ ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਹਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਉਨਕੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਨ ਕਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਤੋ ਸਹੀ ਮਨ ਕਾ ਇਸਮੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਕਹੀਂ ਝਾੜ ਨਾ ਪੜ ਜਾਏ ਤੋ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਉਸਕੋ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤੋ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬੈਠੇ ਥੇ ਮਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਕੀ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਮਾਰੀ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰੀ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਮਨ ਕਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਜੋ ਸਾਰ ਥਾ ਉਹ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਕਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਥਾ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੈਂ ਆਏਗਾ ਵੋ ਇਨਕੋ ਇਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜੋ ਇਨਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲੇਗਾ ਵੋ ਭਾਵ ਸੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ
मालिक को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है और निज घर सचखंड जा सकता है जी। अब आगे आप हिसाब लगा लेना जी, मैंने तो थोड़ा सा यही पढ़ा था, बाकी अब आपके सामने कलाकार बिल सिंह जी हैं, भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागुन सा भजन सुना रहे हैं जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये हमारी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू। तेरे जन्म होए कई बार दाता, तेरे जन्म होए कई बार दाता, पहला कुख बिच फिर सोनी रुत बिच फिर डेरे बिच प्रकाश होया, पहला कुख तारी फिर सोनी रुत तारी फिर डेरे दा विकास होया, बिच दुनिया दे रब्बी ज्योति आ गई, बिच दुनिया दे रब्बी ज्योति आ गई, अंदरों आत्मा नू एहसास होया, माता नसीब कौर जी दे भाग जागे, पिता मगर सिंह जी भी खास होया, बिल सिंह भी ऋणी इना प्रेमिया दा, बिल सिंह भी ऋणी इना प्रेमिया दा, जिना जगाया दास दा भाग सोया। तुहाडा जन्म मुबारक है सानू, तुहाडा जन्म मुबारक है सानू, गुरु सिख दा एक विश्वास होया, गुरु सिख दा एक विश्वास होया। गुरु जी दे जन्म ते चार लाइना दास ने लिखिया, देव जी सुर राग ना बजायो, सुर दे दो। गुरु जी दे जन्म दिहाड़े आए, भगत भगत जन रल मिल खुशी मनाए, संतां ने दिल बिच जीप जगाए, सपना दे चेहरे ने रुसनाए, ओ भगतो सब नू बधाइयां जी, ओ संतो सब नू बधाइयां जी, ओ भगतो सब नू बधाइयां जी, ओ संतो सब नू बधाइयां जी।
ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਦ ਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਈ ਭਗਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਭਗਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮਾਲਕੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਗੂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सभी साध संग जो आसपास खड़े हैं प्रेम से बैठ जाएं जी प्यारे पिताजी हम जो बोल रहे हैं हम हमारी तरफ से नहीं बल्कि सभी साध संगत आपके चरणों में बेनती कर रही हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यारे पिताजी जो आप सभी हम सभी के ऊपर और पूरी सृष्टि के ऊपर परोपकार कर रहे हो उसकी उपमा या महिमा बताने के लिए हम सभी साध संगत के पास कोई शब्द नहीं है जो हम बता सकें सभी साध संगत के ना होने वाले काम आप एक पल में कर रहे हो और साध संगत को दुनिया के कोने कोने में चमत्कार हो रहे हैं प्यारे पिताजी किसी घर में बच्चों के डैडी का जन्मदिन हो तो बच्चे सोचते हैं कि आज डैडी खुश हैं कुछ मांग लें डैडी भी खुश होता है पर कई बार वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उस डैडी का दायरा बहुत छोटा होता है जिस डैडी के बच्चे ही 4-5 करोड़ हों और एक एक बच्चे की डिमांड भी पूरी करता हो वो डैडी कैसा होगा जे हमके सोचने वाली बात तो नहीं है जे तो दुनिया वाले सोचे
कि वो डैडी कैसा होगा। हमें तो पता ही है, क्यों बताएं कि हमारा डैडी कैसा है। आप सभी को तो पता ही है जो दुनिया वाले सोचें कि वो डैडी कैसा होगा। प्यारे पापा जी, आपसे कुछ मांगने से पहले हम सभी साध संगत मिलके आप जी के जन्मदिन की पूज्या माता जी को, आपको, पूरे शाही परिवार को नारा लगा के सभी साध संगत बधाई दे रहे हैं जी। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पापा जी, 29 अप्रैल 2011 को आपने इसी जगह पर साध संगत को वचन फरमाए थे कि हम साध संगत की बात को मानेंगे। पिताजी ऐसा कहा था मान के पिताजी कहा था। प्यारे पापा जी, साध संगत के लिए हर टाइम सोचते हैं, करते हो। हम सभी हैरान हैं कि कब खाते हो, कब आराम करते हो, नजला भी रहता है, कोई परवाह भी नहीं करते। पर प्यारे पापा जी, हम सभी साध संगत को तो आपकी बहुत जरूरत है। प्यारे पापा जी, हम सभी साध संगत की आपके चरणों में हाथ जोड़कर छोटी सी प्रार्थना है। आप जब गुफा में जाते हो, काम करते हो, जहां कुछ पल के लिए आराम करते हो, तो अच्छे तरीके से कर सको। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये पूरी सृष्टि के जो बच्चे आपके बन चुके हैं उन सभी की डिमांड है। प्यारे पापा जी, गुफा में एक ही छोटी सी डिमांड के जो दुनिया सभी गर्मों में चार चार पांच पांच लगे हुए हैं, आप गुफा में एसी लगा लें तो ये हमारी सभी साध संगत की हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना है। हम सभी को प्यारे पापा जी के ऊपर मान है कि इस महान दिन पे पापा जी हमारी बेनती को ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि आपने साध संगत को इस बात का वादा किया हुआ है। क्या पिताजी जी आपको मंजूर है? पिताजी अभी कर दो फैसला, इतनी साध संगत का फैसला है। और आपने पहले वचन फरमाए हैं कि हम सभी साध संगत की बात को मानेंगे। एक तुच्छ सी छोटी सी बेनती है पिताजी, आप जरूर इसको मंजूर करें तो अभी बता दें पिताजी, ऐसे खुशी के दिहाड़े में। प्यारी साध संगत जियो, हम जब गुरुसर में थे तो वहां बहुत गर्मी हुआ करती थी, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्म हवा का चलना। तो सदगुरु ने ऐसी रहमत की, पहले तो बिजली ही नहीं थी, और जब बिजली आई तो माता जी और ये गवाह हैं कि इनके लिए कूलर वगैरह जो भी उस टाइम में हुआ करते थे तो इनको लाए, लेकिन हम पंखा भी नहीं रखते थे कभी, हाथ वाला पंखा ये जो चल रहे हैं तो यही शुरू से लगाते आए हैं। और अब भी ये हकीकत है कि ये पंखे ही सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन आप लोग एसी कह रहे हैं, और ये तो सच है कि 29 अप्रैल को आपसे ये तो कहा था कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे, तभी तो कपड़े बदल बदल के पहन रहे हैं। जब भी जाम होता है, रूहानी जाम। रही बात एसी की, काम तो मुश्किल है। हम जैसे अभी बाहर सत्संगे करके आए तो नेचुरली वहाँ सब जगह गर्मी भी थी, एसी लगे हुए थे, कई जगह गर्मी नहीं भी थी, तो उसमें हमने पूरी कोशिश की कि एसी के बिना रहा जाए, लेकिन कोई पंखा ही नहीं था। उनके कहते जी पंखा तो है ही नहीं, तो फिर भी वहाँ एसी जो चलाते 25 से 27 डिग्री जो होता है तो उस पे करके कभी 27 डिग्री कभी 25 डिग्री रखते थे, ताकि, और कभी बंद हो कर लेते थे कि भाई अब बहुत है इतना सारा, ज़्यादा ही ठंडा ना हो जाए। तो बाकी अब क्या कहें, आप सब लोग आपने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं है, आप हमारे लिए ही मांगे जा रहे हैं। आप अपने लिए कुछ मांगे ना, आप हमें कह रहे हैं। और पिताजी आप हैं तो हम सब बीच में ही आ गया पिताजी, हमारी खुशी आप पूरी कर देते हैं, हमारी कोई डिमांड रही नहीं पिताजी, सभी साध संगत की एक तुच्छ छोटी सी डिमांड है पिताजी, जे आप नहीं लगाएंगे तो हम सभी वादा करते हैं हम भी कोई नहीं एसी या कूलर लगाएगा पिताजी। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि आप सब बच्चे इसके आदि हैं, और आपको तकलीफ आएगी तो वो हमें पहले तकलीफ आएगी।
कि आप एसी कूलर नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चे आदि हैं उस चीज के। हम तो आदि नहीं हैं। और तो पिताजी आप मान जाओ, फिर आप बच्चों की डिमांड है पिताजी। डैडी पिताजी के लिए क्या नहीं करता, बच्चों के लिए पिताजी। जो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डिमांड है पिताजी, सभी साध संगत की हाथ जोड़कर प्रार्थना है पिताजी। डॉक्टरों ने भी जो बताया है पिताजी कि सेहत के लिए जो बहुत जरूरी है पिताजी, बेनती जरूर। हम सारी साध संगत आप जी यही चाह रहे हैं आप सारे, हम तो कुछ और कह रहे थे। ठीक है बेटा, आप चाह रहे हैं तो जरूर लगा लेंगे। और और मालिक से दुआ करेंगे कि आप जिनके नहीं है मालिक उनके भी लगा दे। कोई गरीब है चाहे अमीर है, मालिक रहमत करे। और क्योंकि हमने तो अपना वही पंखे वाला सिस्टम ही होता है 25-27 डिग्री, क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं। कई बार हमारे बेटे बेटियां हैं इतना टेम्परेचर, कई बार जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, इनको बुला लेते हैं। कभी कभार कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई माता जी का फंक्शन था तो चले गए। तो इन बच्चों के तो ये तो शायद आजकल के बच्चे ज्यादा ही ठंडा रखते हैं, 16-18 यूं लगता है कि भाई ये राजस्थान से शिमले में आ गए। तो होता है कि रजायरी जो ले लें ऊपर, तो कोशिश करेंगे कि जितना का हमें सह पाते हैं उतना के चलाएं। और मालिक से दुआ जरूर करेंगे कि आप सबके भी घरों में मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और इस कलयुग में और ये हमारे मुरीद हे मेरे मौला हे मेरे सदगुरु, जो इतना प्यार अपने सदगुरु मौला से करते हैं, हे दादा ये बुराइयों से बचे रहें और इनके घरों में सुख शांति आए, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं। और सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पूज्या पिताजी ने सभी साध संगत की बेनती को माना, तो सभी साध संगत ने नारा लगा के गुरु जी का धन्यवाद करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सदगुरु पर नाज था, नाज है और नाज ही रहेगा जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भगवान सा भजन बोल रहे हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। शाहसत नाम पिया शाह मस्ता, ये तो पता नहीं आपने दिल मांगा या ना मांगा, लेकिन हमने तो दिल आपको दिया। तेरे संग हो गया प्यार पहली नजरे। पिताजी आप जिन्हें पहली बॉडी च वचन किए सी के इत्थे सचखंड दा नमूना बनेगा, सो अज वाकई ये सचखंड दा नमूना, शायद सचखंड भी इना सोहना ना होवे जिन्ना अज साड़ी अखां नूं नमूना प्यारा लग रहा। तेरे संग हो गया प्यार पहली नजरे पहली नजरे
सतगुर के और नजर ना और न कोई समाए, इन आँखों में बिन सतगुर के और न कोई समाए। तीर नैनों का, तीर नैनों का हो गया दिल के पार, पहली नजरे, पहली नजरे तेरे संग हो गया प्यार, पहली नजरे। सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारी सत्संग जीओ, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और मालिक के गुणगान गाना, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की भक्ति इबादत करना, इस कलयुग में मुश्किल तो बहुत है पर असंभव नहीं है। हमने यहां तक देखा है, सतगुरु ने शायद इसलिए ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सभी धर्मों के लोग हमें एक साथ पढ़े, एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ रहा करते थे। बुराई के बारे में तो जानते तक नहीं थे, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे का साथ देना, खेलना, कूदना, पढ़ना, बस दैट्स ऑल। लेकिन सतगुरु ने इसलिए शायद उन धर्मों में हमें जन्म दिया। सतगुरु ने काम लेना था, हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई,
वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला सब कुछ करवाने वाला है। और हमेशा ही हमने तो अपने आप को साध संगत का नौकर ही माना है, मानते थे और मानते ही रहेंगे। एक बार हमें पता नहीं कहां से हम बैठे हुए थे, फोन आया और या यहां से किसी ने फोन शायद 50 नंबर में लगाया था, याद नहीं उस जगह या इस जगह, कहने लगे जी मिलाओ। पता नहीं किस प्रेमी का वो नंबर मिल गया कि पिताजी मुहूर्त कर दो। तो हमने वो फोन उठाया, नंबर मिला, मिला दिया प्रेमियों ने, तो हमने उठा के लगाया तो पूछने लगा कौन। हमने कहा आप कौन? कहने लगा जी मैं उनका नौकर बोल रहा हूं। कहने लगा आप कौन? हमने कहा जी हम आपके नौकर बोल रहे हैं। उसके हाथ से रिसीवर गिर गया तो वो भागा गया, हमें आवाजें सुन रही हैं, रिसीवर नीचे गिर गया, वो लटक रहा होगा फोन के पास। भाग के आओ जी पता नहीं कौन है, वो मेरे ही नौकर है। मैं तो हैरान हूं, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं, ये कौन है? आज तक मेरा नौकर कोई हुआ था ही नहीं, ये कौन बोल रहा है? तो वो भाग के आए कि पिताजी ना हो, तो उन्होंने फोन उठाया पूछा तो कहने लगे पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा आपका नौकर होगा, हम तो उसके भी नौकर है, उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका काम करने के लिए भी मालिक से दुआ करना हमारा फर्ज। तो हम तो नौकरों के नौकर हैं भाई, हमेशा सबके लिए दुआ करते रहते हैं और यही अपने आप को समझते हैं। इस आश्रम में भी रहते हैं, मेरा मौला सतगुरु जानता है या वो जानते हैं जो हमारे आसपास सेवा करते हैं, जिम्मेवार जानते हैं कि अपना खाना खाते हैं वो भी सोच के खाते हैं कि इसका कितना पैसा बन गया होगा, वो पहले एडवांस में ही जमा करवा देते हैं। परिवार वाले आया करते थे, साथ संगत लंगर खाती है वो भी लंगर खाते थे पहले पहले शुरू में। और यहाँ जिम्मेवार जो होते थे बाबू इंद्र सेन जी या जो दूसरे जिम्मेवार अब हैं यहाँ, उनको मालूम है कि 1990 से 15,000 साल का हम उनका खाने का ही जमा करवाते थे लंगर का। और खाने वाले 3-4 लोग होते थे जो सादा सादा भोजन लेना लगातार जमा करवाते आए। और अब तो सतगुरु ने दिया ही इतना है कि लोगों को टटियां लगी हुई हैं। हालांकि बहुत बड़ा घराना है, वो पूरा गांव का गांव हमारे बुजुर्गों का था, अब भी वहां सबसे ज्यादा जमीन है, लगभग 125 एकड़ के करीब उस एरिया की। तो राजा महाराजा आया करते थे शुरू से ही, बहुत बड़ा घराना सतगुरु ने बख्शा और अब तो बरकतें ही बरकतें हैं, इतना कुछ बख्शा है। और ये सब मेहनत का है, मेहनत का। हम 7 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 6-7 साल के। और उस समय जो खेत में पानी लगता था, नहर ताजा ताजा आई थी, 10 या 15 बीघा जो राजस्थान में 5 कनाल का बीघा है, 10-15 बीघों में पानी लगता था। और हम ट्रैक्टर चलाते थे, स्टेयरिंग चलाते थे, स्टेयरिंग बड़ा था, हम छोटे थे, फोर्ड ट्रैक्टर था, पहले एक पुराना बहुत पहले का लिया हुआ हिंदुस्तान छोटा जीटर कहते हैं, नीले से रंग का था वो, उस एरिया में पहला ट्रैक्टर था। तो वो चलाया करते थे, आपको सुनाया भी है कि उसका गियर अड़ गया था एक बार, बैग करने लगे तो बैग गियर अड़ गया, बापूजी भी साथ थे, कहने लगे अब क्या करेंगे क्योंकि टूल घर में भूल आए। हमने कहा करेंगे क्या जी, आप देखो बस। तो हमने मुंह कर लिया पीछे को, स्टेयरिंग पकड़ लिया पीछे से, हमने कहा बेटा ऐसे ही चल गांव तक। तो सारे लोग हंस रहे थे, ये ट्रैक्टर कैसे आ रहा है, आ भी उल्टा रहा है। हमने कहा साइड में हो जो, हॉर्न वोर्न नहीं है पिछली तरफ। सो घर में ले जाके उसका खोल के गियर वगैरह, और सारा ट्रैक्टर का सारा काम हम खुद करते थे, उसका मुगलैल बदलना है, बैटरी का काम है। एक बार मिस्त्री से करवाया, नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहता बड़ी बात नहीं तो करके दिखा। हमने कहा लिया चाबी पाने, उसी टाइम करके दिखा दिया। कहता हैं मैंने तो ट्रेनिंग ली है। हमने कहा हमें सतगुरु ने दे रखी है, अंदर से जन्म से माँ के गर्भ में दे रखी है हमारे मौला ने। सो हम ट्रैक्टर चलाते, स्टेयरिंग बड़ा था, साइड में से देख के चलाते, सारी सारी रात हल जोतते। बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा, कभी आप जाएं सात संगत जाती है, अब तो वहां बाग है, वहां टीले थे इतने बड़े बड़े, यहाँ नीचे से लेके इतने ऊंचे, ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाता जब नीचे जाता तो पता ही नहीं चलता किधर गया, आगे फिर दूसरे टीले पे चढ़ता फिर ऐसे। तो प्यारी सात संगत जी, सारी सारी रात हम ट्रैक्टर चलाते
और 4 बजे हमें याद है हमारे साथ काम करने वाले सज्जन थे जिसे लोग आजकल नौकर कह देते हैं, हमने उन्हें कभी नहीं भाइयों की तरह या वो हमें मामा कहते, हालांकि हम छोटे थे वो बड़े थे, तो इसी तरह उसको संभालते। हमने कहा 2 घंटे तू चला ले, पहले उसको सुला देते, तो वो 4 से 6 चलाता, बस 6 बजे उठ के हम चले जाते सीधे खेलने के लिए। वहां खेलते 10:30 स्कूल लगता, 9 बजे आते नहा नहो के और खाना थोड़ा बहुत लेके स्कूल चले जाते। स्कूल में जो भी पीरियड खाली मिलता, जो भी टाइम होता खाली, तो उसमें होमवर्क करते रहते हैं। स्कूल के मॉनिटर थे कॉल अपने क्लास के, तो दूसरों को भी कहते थे यार शोर ना करो, आप भी लिखो पढ़ी करो, हमारे टीचर भी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको भी कहते थे कि आप लिखो और हम लिखते रहते अपना होमवर्क। एक रिसेस टाइम होता है, माता जी को पता है, उसमें हम इतनी स्पीड से आते हैं, जैसी रिसेस होती 45 मिनट की हमें लगता है, पूरा तो नहीं याद, शायद 45 मिनट की होती थी या 42 मिनट की, तो हम दौड़ के आते। माता जी को पता होता था, दरवाजा इतनी दूर था जितनी दूर आप यहां बैठे हैं और वहां से हाल इससे थोड़ा ज्यादा ही दूर था, तो वहीं से आवाज लगा देते कि माता जी हमारा खाना, बस हमारे पहुंचने तक खाना तैयार। हम लिया और 5-10 मिनट में खा पी के वापिस स्कूल में, और वहां जाके अपना होमवर्क फटाफट जो भी होता फटाफट कर लेते, स्कूल में पढ़ते रहते। और फिर जैसी छुट्टी होती 4 बजे होती या जितने बजे, अगर 10 बजे लगता तो शायद 4-4:30, तो सामान वहीं रखते किताबें, खेलना शुरू, जो भी आ जाता आ जा भाई, वॉलीबॉल वाले वो थक गए, चलो शॉर्ट पुट वाले वो थक गए, जेवलिन थोड़ी एक डंडा सा रख रखा था कभी कभार वो भी फेंक लेते, या फिर क्रिकेट खेलते, इस तरह से रात को कबड्डी वगैरह सारी रात चलता रहता। तो सतगुरु ने ऐसी ताकत बख्शी उस दाता मौला ने, कहने सुनने से परे। गांव में पूछ लीजिए आप, जाके आज भी पूछ लीजिए, यहां से हम गुजरते थे, माता का तो कह नहीं सकते, पर हमारी जो बहनें होती थी या बेटियों के समान थी, वो दौड़ के अंदर चली जाती थी। यहां सतब्रह्मचारी है गुरु सर के, अब जुम्मेवार है वो सतब्रह्मचारियों की, तो उसको पता है कि वो कहते, वो चाचा कहते हमें, कि लगते थे किसी के चाचा किसी के ताऊ, गांव में जैसे रिश्ते होते हैं। वो कहती हम आपस में सलाह करते होते थे कि अगर चाचा दिख गया ना पहले अंदर भाग जाना, कोई पता नहीं थप्पड़ ही ना जड़ दे, क्योंकि हम पूछ लेते थे यहां किसको देख रही हो, कोई लड़के को या किसको, क्या मतलब आपका, कि आपका जब कोई काम ही नहीं है, तो वहां से लड़के कई बार कहीं एर गैर गुजरते रहते, तो लोग आज क्या क्या कह रहे हैं, और आप उनसे पूछिए क्या क्या होता था। गांव वाले बैठे हैं, हम शर्त रख सकते हैं सिर की एक उंगली कोई कर दे, झूठा बकवास करे तो कर रही है दुनिया, पर सवाल पैदा नहीं होता। माई का लाल कोई कह दे, कुलों तक का ये है हमारा, तो हम अपनी गारंटी देते हैं। सतगुरु की ही रहमत, सतगुरु, हालांकि लड़के लड़कियां तक हम इकट्ठे खेले हैं। एक दिन लड़कियों के स्कूल में हम गए, बच्चे आए हुए हैं इधर, तो उनमें शायद पुराना लाणा कहते थे, वो भी बैठे होंगे यहां, तो एक बार हमसे पूछने लग गए, पिताजी आप कितने गेम खेलते थे हमारे वाले। हमने कहा बोलो बेटा हम बता देते हैं, तो बताने लगे ऊंच नीच का, पापड़ा फलाना दिंकड़िए, क्या होता है, एक चूड़ी टूट जाती है, चूड़ी से चूड़ी बाहर निकालना, और ये गेंद वाला, ये गीटे गूटे, पता नहीं क्या नाम। हमने कहा हमने कोई नहीं छुड़ाए, गिनते रहे, पता नहीं कितने गेम गिने इन्होंने। लड़कों के स्कूल में गए तो उन्होंने गिने, कोई गांव का गेम नहीं छोड़ा, हर गांव का गेम जो होता है वो खेलते रहे हम, और पढ़ते रहे सतगुरु की रहमत, जैसा भी उसने पढ़ाया पढ़ते रहे अपनी तरफ से। जब भी टाइम मिलता, शाम के टाइम 2 घंटे पढ़ते, बाकी टाइम यही ऐसे ही चलता रहता, दुनिया के अनुभव लेते रहते, क्या हो रहा है बुजुर्गों में, क्या है का, क्या कर रहे हैं नौजवान, क्या कर रहे हैं। तो सतगुरु ने वो सारा अनुभव दिलाया। कई जगह हिंदुओं की शादी में गए, मुसलमानों के गए, सिख धर्म में गए, सब जगह जाते रहते, सबको वहां संतों की बाणी पढ़ते, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि कहते हैं भाई जी यार काम नहीं मुकाउंदा, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। तो सबको खाने पीने का ही लालच होता था, संतों की बाणी क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमने देखा है नौजवानों को तो खास करके, यार पैग मारांगे बाबा खड़े ही नहीं छड़ता, तो 2 मिनट आज मगा दे कम, हम हंसते रहते बैठे कि ठीक है। बुजुर्ग होते ताश के पत्ते देते रेखी लेते रेखी लगे रहते,
शादियों में भी जाते, उनका यही काम जेब में ताश लेके जाते, काटो फलानिया कड़ी ताश, ये पत्ते, और कोई काम नहीं है। सो इस कलयुग में सदगुरु दाता ने रहमत की और पूरा अनुभव दिलाया, और इसलिए हम आपको इन बुराइयों से दूर करने के लिए कहते हैं, और नौजवानों को कहते हैं एक्सरसाइज किया करो घर में। अब तो घर बदल गया है, खेत में है, पहले वाला घर भी है लेकिन वो भी बदला हुआ है। पहले होता था कि नरमा तोलने के लिए बापूजी ने अपने टाइम में एक गोल कुंडा सा लगवाया हुआ था, तो हम जाते आमतौर पर, माताजी डरते थे इन चीजों से, हमारे एक्सरसाइज से या और से, तो वो काफी ऊंचा था, शायद 8-9 फुट पे, 8-1 फुट पे था, तो हम जंप लेके उसको पकड़ लेते एक हाथ से, तो एक हाथ से उसको पकड़ के सीधे नीचे लटके जाते, फिर ऊपर जाते, फिर दूसरे हाथ से ऊपर नीचे, ये था हमारा जिम। फिर बरामदे में डाट लगी हुई थी, और डाट में एक राड डाली जाती है टायरेड, पुराने मिस्त्री जानते हैं, सचखंड हाल में आप देख लो, ये नीचे है वो शायद 10 फुट ऊंची थी, 9-10 फुट, तो हम चार पाई पे चढ़ के जंप जुम्प लेके उसको पकड़ लेते, तो माता जी का शोर शुरू हो जाता है, आप गिर जाओगे, चोट लगेगी, फलाना होगा, धींगड़ होगा। हम इसलिए, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने सतगुरु मौला की जिसने ये सब कुछ बख्शा है, तो हम उसमें पांव अड़ा लेते दोनों, 9-10 फुट ऊपर था, दोनों पांव ऐसे लटका के और नीचे लटके जाते पूरा सीधा, और फिर दोनों हाथ पीछे कर लेते और अपना नाक शरीर पे लगा के फिर नीचे आ जाते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आ जाते, तो माता जी का शोर जारी रहता, नीचे बेचारे पकड़ तो पाते ना, जब पकड़ने लगते हम ऊपर चढ़ जाते तो फिर शोर मचाते, क्यों, अकेला बेटा था, नीचे पक्की फर्श थी और इतनी ऊंची जगह थी, कोई ऐसा नहीं था कि जाल नेट बंधा हुआ था, आप तो नेट बांध रहे ना भाई, कहीं ऐसा कहो पिताजी ने बताया कल को कोई उड़ाना दे दे, ना 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 ना, आप ना पंगा लेना, क्योंकि ऐसा सतगुरुदाता ने रहमत की। और ये हमारे, या फिर कुतरा करते हैं गाँव में, कुतरा करते हैं, हरा चारा काटते हैं, पुरानी मशीनें होती थी, तो काम करने वाले दो लोगों को कह दे जितना तेरा दिल करता लगा दे, हम चलाएंगे मशीन, चलाएंगे भी एक हाथ से, बाएं हाथ से चलाएंगे, तो हमें रोक के दिखाकर तेरे में हिम्मत, चैलेंज यानी कंपटीशन से काम करते थे, तो वो बेचारे लगाते रहते, पता नहीं उनमें से कोई आया या नहीं आज, तो वो चलाते खूब जोर से लगाते, और सतगुरु की ऐसी रहमत थी कभी भी हमने मशीन नहीं रुकने दी, और फिर उन दोनों को लगा देते कि अब आप दोनों चलाओ मशीन, और मशीन ऐसी होती थी कि पंजे के बल पे चले जाएं, जब ऊपर का हिस्सा है ऐसे पंजे के बल पे, तो उससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। यहां भी हमने सतब्रह्मचारियों को करवाई थी, और वो नेशनल में फर्स्ट टाइम जाके गोल्ड मेडल जीत के लाए थे टग ऑफ वार में, फर्स्ट टाइम गए थे, कुछ नहीं जानते थे, और नेशनल में बड़े बड़ों को धूल चटा दी, दंग रह गई, ये कहां से आ गए भाई। तो सतगुरु की कृपा, हम उनको कहते कि आप दोनों चलाओ मशीन, तो वो दोनों चलाते, सतगुरु का नाम लेते, हम मशीन में इतना लगा देते, 2-3 तो मशीनें ही टूट गई, और उनको बंद करवा देते, दोनों ही आखिर बंद हो जाती मशीन, इतना ज्यादा हैवी हो जाता। सो ये बेपरवाजी का रहमो करम, कई बार सात संगत को होता है पिताजी अपनी कोई बात सुनाओ, ये हमारी बात नहीं है, ये सतगुरु का रहमो करम है, 100% हमारे भगवान थे, हैं और आगे भी हमारे तो वही भगवान है। अल्लाह वाहे गुरु राम, दृढ़ विश्वास हो, आदमी क्या नहीं कर सकता, हौसले बुलंद हो। कई बार आते बाजीगर आते गांव में, तो उसने क्या किया, एक पांव में से ट्रैक्टर गुजार दिया, हम घर में आए, ढाल पे ट्रैक्टर खड़ा था, लीला वहां पे होता था, हमने कहा देख क्या बड़ी चीज की है, हमने पैर नीचे रखा, ट्रैक्टर पूरा गुजार दिया, उसने एक टायर गुजारा, हमने दोनों ही गुजार दिया, उसने ईंट रखी थी, हमने ईंट भी नहीं रखी, नहीं क्या खास बात है, सतगुरु साथ है, परवाह किस चीज की। कहता जी मैंने सुना है फलाना आदमी ट्रैक्टर उठा देता है, हमने कहा अच्छा इधर आ, हमने ट्रैक्टर पकड़ा, फोर ट्रैक्टर था आगे से, उसको उठा दिया, हमने अच्छा ऐसे उठाता था, कहता है मैंने है क्या, सतगुरु साथ है, परवाह किस बात की। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी सतगुरु की रहमत। तो हम नौजवानों को इसलिए बार बार कहते हैं ना खाया करो तड़िया, पकौड़े, डोसा, फोसा, पता नहीं क्या क्या लटर पटर खाते रहते हैं, और उससे होता हुआ था कुछ नहीं है, कोई ताकत तुकत नहीं है उसमें, घी जलता है और दूसरी चीज को भी जला देता है। अगर एक्सरसाइज करनी है, कच्चा घी सब्जी में डाल लो, किसी भी चीज में, दूध पियो, कच्चे घी के ऊपर से पानी ना पियो बस, और फिर एक्सरसाइज करो, बॉडी जैसी मर्जी बना लो,
क्यों भी डॉक्टरों के घूमते रहते हो, क्यों नहीं एक्सरसाइज से अपने शरीर को तंदुरुस्त कर लेते। बुजुर्ग भी यहां तंदुरुस्त हैं जिन्होंने माना, सो आपसे यही गुजारिश है कि आप फॉलो कीजिए इन चीजों को ताकि तंदुरुस्ती आए, घरों में खुशियां आए और मालिक से दुआ, मालिक रहमो करम से सबको नवाजे जी। सो हम तो भाई आपके सेवादार हैं और शाम को प्रोग्राम है, आपको पता ही है जाम का प्रोग्राम है और नारा लगवाना है तो सत्संगत रुकेगी, ये तो और भी सत्संगत आएगी, शाम को प्रोग्राम है तो उसमें सबने मिलकर नारा लगवाएंगे आपसे पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो शाम तक हो सके, किसी को ज्यादा मजबूरी है तो बात अलग है, सबने रुकना है, ये आपसे गुजारिश है। बाकी अगर मजबूरी है तो आप जानो, मजबूरी में हम नहीं रोकेंगे, लेकिन क्योंकि आप भी उसमें भागीदार बनो, पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करेंगे, सो आप क्यों ना उसके हिस्सेदार बनो और मालिक आपको भी खुशियां बख्शेगा। सो शाम को ये अपने नारा शिरोमणि कुछ भी कह लीजिए कि नारा लगाएंगे सीधी साधी भाषा, सारे समाज के लिए, सारी सृष्टि के लिए, सारी त्रिलोकियों के लिए और दोनों जहान में मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक तू रहमत कर, क्योंकि हम कोई और तरीका तो जानते नहीं। अब अपने सदगुरु पे मान है और ये कभी हुआ नहीं कि उससे दुआ की और वो माने ना। सो ये वो करने वाला है, वो दया का सागर है, वही बुलवाता है, हमें तो कोई समझ नहीं है। हमारे यहाँ एक टीचर आए हैं तो अभी वो वॉयस स्कूल में वहां पे हैं, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये मास्टर जी हैं रूप सिंह जी, तो ये सॉन्ग वगैरह हमसे गवाया करते थे, हम पूरे इंचार्ज होते थे। हम उस समय भी कुछ तो ये लिख देते थे, कुछ हम नाटक वगैरह लिखा करते थे, गाया करते थे, लेकिन ये कहते भी आपकी आवाज बहुत अच्छी, भाषण दिया करो। हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने भी कहा कि आप भाषण क्यों नहीं देते। भाषण नहीं देंगे, बाकी जो मर्जी करवा लो। तो ये सॉन्ग वगैरह हम बहुत गाया करते थे गांव के, गांव के 25 जनवरी को होता था ये प्रोग्राम। इनको तो अब पता चला है, मतलब थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए तो परम पिताजी का जन्मदिन होता था, लेकिन 25 जनवरी इसलिए मनाते, आगे 26 जनवरी होता था, तो गांव इकट्ठे हो जाते, खूब प्रोग्राम करते, लेकिन भाषण कभी नहीं देते थे क्योंकि भाषण हमें आता ही नहीं। अब भी जो दिलवा रहा है वो सतगुरु दिलवा रहा है, हमें तो आता ही नहीं, ये प्रत्यक्ष है, हमें नहीं आता था। वो बेपरवाह दाता ने यूपी में भेजा, कोई कहे लखनऊ से हैं यूपी वाले, कहें कोई कहें पता नहीं यूपी के कहां से हैं, ये तो अच्छा हो गया गुरु जी ने मारे बड़ा भेज दिया, न्यू बढ़िया हो गया भाई, ऐसे बोलते हैं उधर। तो पता नहीं कैसे सतगुरु ने इतनी प्योर हिंदी, जबकि वहां पंजाबी बोलते थे। हम कुछ बच्चे थे उसमें से, एक जज भी है अब, कुछ और भी कई जगहों पे हैं, लगभग सभी कहीं ना कहीं नौकरियों पे हैं जो साथ पढ़ा करते थे। तो उनमें कुछ लोग थे हम जो आपस में इंग्लिश की भी कोशिश किया करते थे, अदरवाइज पंजाबी, बागड़ी, हिंदी कभी ऐसा नहीं था कि वहां कोई हमारी लैंग्वेज रही हो, पंजाबी ज्यादातर चलती थी। तो यहां सतगुरु ने जैसे सत्संग करने यूपी भेजा, वो फर्स्ट टाइम था, हमने कहा हमें क्या परवाह, हमने थोड़ी ना बोलना है। तो वो सतगुरु मौला है हमारे, तो सब कुछ दोनों जहां के दाता थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और अरबों बार उनको नमन करते हैं और उनका ही हुक्म था कि जन्मदिन 15 अगस्त भी मनाएंगे, इसलिए मनाते आ रहे हैं। अदरवाइज हमें अपने जन्मदिन से नहीं, अपने सतगुरु से है, और उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, फिर हम अपना थोड़ा ही ना मना रहे, अपने सतगुरु का है वो जाने, उसका काम जाने। अब इसको भी कोई गलत ले ले तो ले ले, हम तो मानवता भलाई के लिए इस दिन कार्य करते हैं, पौधे लगवाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और करते हो। कबीराज आते हैं, गाते हैं, कलाकार आते हैं, गाते हैं, जैसा इनको अंदर भावना है ये अपने हिसाब से, लेकिन हमारा तो यही है कि हमें खुशी इसी बात से कि हम आप सबके सेवादार हैं, हमेशा तैयार हैं, रात को दिन को आपके लिए दुआ करते रहते हैं। और आपने आज सारी सार संगत ने जो एसी का कहा है, क्योंकि ये मालूम है आपको, जैसे बोला कि हमारा खाना है, हमारे ये कपड़े, ये कपड़े तक भी हमारा अपना पैसे के हैं। कई बार खेतों में से 5 से लेकर 12 लाख तक भी फसल हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता था हम 1 लाख रुपया रखते, कभी सत्संगों में चले गए, हमारा मौला जानता है, रतन धर्म सिंह या कुछ बच्चे जो अब हमारी बेटियां हैं, बेटा है, ये लोग जानते हैं कि वो लाख रुपया हम रख देते और भूल जाते सत्संग में काम धंधा करते। अब सोचते यार ये आश्रम का है या गुरु सर का है, सतगुरु हाजिर नाजर है, स्टेज पे झूठ बोले तो सिर कटे, 100% सच कि ये सोचते करें क्या,
अब कैसे? फिर बस एक ही ख्याल आता, लोहे के चने नहीं खाने, ये लाख रुपया अगर गुरु सर का है तो भी आश्रम में, कि ले भाई परमार्थ में से गुपचुप हम नहीं रखेंगे। साल में दो तीन बार ऐसा हो जाता था, मालिक जाने का जान है ऐसा हो जाता था। और वैसे भी परमार्थ बहुत बार करते रहते थे, हमेशा करते थे, सतगुरु जानता है, मौला जानता है। और आज वो परमार्थ इतना फल फूल गया है कि हमारे औलाद आप सब और वो जो बच्चे कहलाते हैं, जो पहले जिनको जन्म दिया सतगुरु ने हमारे द्वारा, वो बच्चे भी आज परमार्थ में किसी से कम नहीं है। परमार्थ करते हैं बढ़ चढ़ के, हर तरीके से परमार्थ करते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि ये बढ़ चढ़ के और परमार्थ करें, इन्हें समझ और आए, सारी साध संगत को समझाए, क्योंकि यहां का पैसा लोहे का चना है। जब हम नहीं खा सकते और माई का लाल खाएगा तो जख्म इतने देगा कि गिनती भूल जाएगा और जख्मी हो जाएगा अंदर ही अंदर की। इतना खतरनाक है यहां का पैसा खाना। खाने में आसान तो लगता है पर पचाने में इतना खतरनाक है जो कहने सुनने से परे। तो भाई आप जितना परमार्थ करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा, परमार्थ के कामों में ही लगेगा। 100% लग रहा है और आगे से लगता रहेगा। और ये भी आपको बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है, परमपिता ने ये वचन किए थे हमें, आज कुछ एक बातें सत्संग से शाम को भी कोशिश करेंगे, अगर ऐसे ख्याल जुड़ गया तो बता देंगे, ना जुड़ा तो भाई कोई गारंटी नहीं है। तो हमने वहां पे परमपिता जी की बात चली कि परमपिता जी ने, सतगुरु मौला ने जब हम आए, कहने लगे ठीक है भाई आप आ गए। हमने कहा जी ठीक है आ गए, सब कुछ त्याग दिया। तो परिवार वाले आते थे, माता जी बापू जी बच्चे छोटे छोटे थे, एक आते इनसे पूछ सकते हैं, बापू जी तो बेचारे रोने लग जाते। परमपिता जी के साथ बैठे बैठे ये मिल लेते थे, हम इनको नहीं देखते थे, ये हमें देखते थे, ये तो देखते ही थे कि उनके फादर भी थे और गुरु, तो इनको बेचारों को पता नहीं था तब। तो कई महीने शायद ऐसा चला होगा, बापू जी बहुत रोते बाहर जाके, उनको बहुत ज्यादा लगाव था हमसे। तो वहां तब जो सेवा करते थे अंदर लक्ष्मण जी, तो वो गए परमपिता जी के पास और रोने लगे। परमपिता, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा जी मेरे से देखा नहीं जाता। क्या नहीं देखा जाता? कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो क्योंकि संत जी कहते तब कि संत जी बात तक नहीं करते, मुंह घुमा के चले जाते हैं, और बापूजी इतना रोते हैं, बच्चे इतना रोते हैं बेहद ज्यादा। तो परमपिता जी ने हमें बुलाया, कहने लगे भाई क्या ये क्या हो रहा है? हमने कहा सतगुरु जी जब आपने कहा था सब कुछ त्याग दिया, तो यही तो त्याग है आपके वचनानुसार, कि जब आई गए हमारे लिए वो नहीं, हम उनके लिए नहीं। त्याग का तो मतलब ही ये है, बेपरवाह जी के प्यार मोहब्बत के वो दोनों जहां के पवित्र आंसू आंखों से आए, जो हमने अपने हाथों में डलवाए, अपनी छाती पे लगाया सतगुरु ने, अपने बॉडी पे डलवाए, बहुत प्यार किया। कहने लगे ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, हमारे को साईं जी ने वचन किए थे हम नहीं गए, तो माता जी पूजनीय, अति पूजनीय माता, तो माता जी परमपिता जी के, तो उनको अधरंग हो गया था। अब ऐसा नहीं होने देना, सवाल पैदा नहीं होता, जब तक आपके बापूजी संभाल रहे हैं, जब ये गुफा में आए अब भी टाइम दे रहे हैं इनको अभी से, और जब बापूजी नहीं संभालेंगे तो इनको साध संगत की तरह, बल्कि उससे भी अलग इनको टाइम आपने देना ही देना है। परमपिता जी ने ये वचन किए, हमने कहा जी सतवचन, हम कोई आगे से बहस थोड़ी ना करते थे, साध संगत जानती है, हम सुना करते थे, सुनाते नहीं थे अपने सतगुरु को, सब जानते हैं, स्टेज पे बैठे बैठे भी सुनते थे, हाँ पिताजी क्या हुआ, हाँ सतगुरु जी क्या हुआ, चाहे एक ही बात थी। तो हम नीचे आए, परिवार को बुलाया, मिले तो बापू जी बहुत रोए, सभी बच्चे भी, चरणबीत को होश था, जसमीत को, वो छोटी तो छोटी थी, उसको इतना पता नहीं था, वो तो बस अच्छा एक दो बातें की, भागती रहती थी चारों तरफ, क्योंकि साल सवा साल की रही होगी, तो बातें की। और उस दिन से फिर जब भी परमपिता जी मिलकर चले जाते, हमें इनको टाइम देना शुरू किया। बापूजी जब तक रहे, जसमीत की शादी के टाइम उन्होंने कहा, क्योंकि बापूजी ने परमपिता जी से कहा था कि हम जब कहेंगे तो ये आ जाया करेंगे घर। हमने कहा परमपिता जी कहने लगे जरूर आ जाया करेंगे। तो बापूजी कहने लगे भाई मैं अपने पोते की शादी कर रहा हूं, तो आप आया करो, बताओ हमें, हमें नहीं कुछ आता जाता।
हमने कहा जी ठीक है। तो उन दिनों हम जाया करते थे, पूरा शास्त्राम जी नगर जानता है, चाहे रात को जाना पड़ता था, पर यह नहीं कि मजलिस कैंसिल करके जाते थे या संगत को बिना मिले जाते थे, संगत को मिलते थे और उसके बाद जो टाइम कि आप आराम करो वो आराम हम नहीं करते थे, वहां टाइम देते थे। उसके बाद बापूजी चोला छोड़ गए तो फिर इनको टाइम देना शुरू किया, वो देना ही था, परमपिता जी के वचन थे क्योंकि ये छोटे थे कि इन्होंने रुलना नहीं देना, परमपिता के वचन दे थे ये ना हो कि रुल दे फिरन, लोग ये कहने भी सतगुरु दे बच्चे रुल दे फिर दे। हमने कहा जी सतवचन तो वो रुल दे शब्द हमेशा दिमाग में रहता, तो हमने इनको कहा बेटा आप अभी छोटे हो, बेटियों की शादी करनी थी, वो शादियां हो गई, फिर अब भी ये बेटियों को होता है, बेटा भी आता है तो इनको होता है कि हमने मिलने आना है, तो उस मालिक के रहमो करम से सत्संग जी हमने गुरु सर के पैसे से वहां हॉल बना हुआ है, पहले सत्संग मिलती थी, सतुरमचरी भाई जानते हैं, बहने जानती हैं, बच्चे जानते हैं, ये गुफा के साथ एक लंबा हॉल है, हॉल में सारी संगत ये मिला करते थे, हम प्रसाद दिया करते थे, पार्टियां वगैरह होती थी, तो वो छोटा पड़ गया, गुफा बहुत बड़ी हो गई, तो उस हॉल में हमने पार्टीशन करके कमरे बना लिए दो या तीन, क्योंकि परमपिता जी के वचन थे कि इनको टाइम अलग से देना, जब भी आए तो अब ये कह देती है कि नहीं जी हमने तो रहना है आपके पास, तो फिर वो हमने गुरु सर के पैसे से सारे कमरे बनवाए, उनमें एसी लगवाया और बिजली का बिल हम भरते हैं, और आपने जो कहा है कि आप अपने लिए, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए इस हाल में लगे हुए हैं, हम आपको 100% ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं गुफा में ना कभी लगाया था ना लगाया है, और अब तो आपने कहा है तो लगाना होगा, लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि आपके बात हमने मानी है, और हमारी बात ये प्रबंधक सज्जन इधर गुड़िया है मेनली, इधर भाई सारे बच्चे खड़े हैं जो भी एडम वाले हैं, तो इनको हम भी ये हुक्म करते हैं कि उसका जो भी बिल आएगा जितने का वो आएगा वो बिल हम अपने अपनी कमाई से भरा करेंगे, आप लोग इसमें दखल नहीं करेंगे, अगर आपको ये मंजूर होगा तो ऐसी सही चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं, जरा मर्जी ला ले, सीधी सी बात है, वो चलेगा ही तो अगर हमसे सही सही बिल भरवा लोगे, मंजूर है ना आपको ये चीज, क्यों सत्संग जी आपको ये मंजूर है ना हमारी बात, ये तो मंजूर करनी पड़ेगी अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, तो ठीक है आपको क्यों इधर बड़ों को मंजूर नहीं है, आपकी मंजूर की आपको हमारी तो करनी पड़ेगी ना जी, ठीक है, तो ये ख्याल रखना कितना गुफा का बिल आता है, कितना अगर जनरेटर है तो उसका डीजल है वो हम ही दिया करेंगे, आपका कोई उसमें नहीं है, सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है, पूछिए मास्टर जी आए हैं और भी गांव वाले आए होंगे, पूछिए वहां लोग जाके चारों तरफ बंजर है और वहां पौधे बाग के हैं, तो सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है, सो ये आपको मंजूर है भाई, सारी संगत ने कहा है तो ये जरूर ख्याल रखना, भूल से भी आपने नहीं वो हम देंगे, सतगुरु देगा हम तो क्या देंगे, उसकी माया है उसने दे रखा है सब कुछ, सो आशीर्वाद बेटा, ठीक है हमने आपको कह दिया भाई, हमारा तो फर्ज था, तो ये एक दिल में ख्याल था, जैसे आपके था तो हमारे भी था, तो ये ख्याल में आया, बाकी सात संगत जी कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए अब एक सुमण करने का हम डिजाइन कर रहे हैं, लगभग डिजाइन पूरा हो गया है, सुमण करने का हाल बनाएंगे, हम 25 मेंबर जितने भी आए हैं यहां बैठे होंगे शायद, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मिस्त्री सेवादार तैयार रखना, ताकि आपको पता ही है अपने से धीरे तो चला नहीं जाता, तेजी से बनवाएंगे और पूरी देखरेख में बनवाएंगे, सो आशीर्वाद बेटा, ख्याल रखना सारे 25 मेंबर और जितनी सात संगत है सारी की, उसमें सेवा बढ़ चढ़ के करना, ये आपसे गुजारिश। तो सिमरन हॉल उसका एक डिजाइन कर रहे हैं हम, आप यहां सत्संग सुनते हैं बाद में अगर आपको दिल करे तो शांत एरिया बना रहे हैं, तो शांत एरिया में कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपका सुमरण में मन लगने लग जाए, तो आप उसमें बैठा करेंगे सुमरण किया करेंगे, कुछ धर्मशालाएं बन रही हैं यहां पे फ्यूचर में, कि सत्संग अलग अलग स्टेटों की जो गरीब आती है रुकने का मुश्किल हो जाता, बाकी तो चलो रुक जाते हैं, या कोई दूर दराज से आती है सत्संगत उनके लिए यहां धर्मशाला का टाइप कुछ ऐसा उसका नाम रखेंगे अलग से, तो वो जगह भी बनाई जाएगी आश्रम में अलग अलग स्टेटों की, तो ये काम शुरू करने वाले हैं, तो और भी जो सुझाव आएंगे सत्संगत के वो बनाते चले जाएंगे, और अब आश्रम की खूबसूरती पे भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मस्ताना जी महाराज ने, परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने इस बारे में वचन किए कि सचखंड का नमूना
तो कोशिश करेंगे कि यहां पे अगर खूबसूरती से उस चीज को आपके सामने लाएं, ये पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। सो प्यारी सत्संग जियों, समय काफी हो गया है, शाम का भी प्रोग्राम 6 बजे शुरू होगा, तो कुछ मैसेज वगैरह हैं जी, नारे का आप लोगों को बता ही दिया है। पिताजी 15 अगस्त आपके जन्मदिन की खुशी में विदेशों की सत्संग पौधारोपण कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। ये पौधारोपण किया का मतलब कर हटे, उनके रात है क्या उधर? लगातार करना चाहिए ना, सारा दिन, सारे दिन के लिए हमने तो कहा था, बता दीजिए उनको, वैसे सुन ही रहे हैं। सारा दिन जितने ज्यादा लगा लोगे उतनी ज्यादा खुशियां पालोगे। 1 घंटा लगाया वो तो अलग है, लेकिन स्पेशली सारी सत्संगति लगाए, यहां आप फ्री हो जाएं। अगर यहां के जुम्मेवार भाई जो किस जिनकी खेतों में ड्यूटी है, तो आप जो घास फूस है, यहां पौधे पहले लगे हुए हैं, सारी सत्संग से गुजारिश है कि एक पौधे से अगर आप घास फूस निकाल देते हैं तो आपका एक पौधा लगाया हुआ मान लेंगे। जितने भी यहां बाग लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी चलाना तो हमारा फर्ज है ना, और यहां बहुत बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, तो उसमें पौधे लगे हुए हैं, तो ये आपके ही हैं सारे, आपके काम आने वाले हैं। तो एक पौधे से भी अगर आप घास निकालते हो तो समझो एक पौधा आपने लगा दिया, तो आप कम से कम 12 पौधे से तो निकालोगे, क्योंकि साल में 12 पौधे लगाने ही चाहिए एक इंसान को, एक सत्संगी को। सो हम ये नहीं कि आपसे काम करवा रहे हैं, हम तो आपको तरीका बता रहे हैं, ताकि आप आई हुई सत्संगत भी पौधे लगा लो, जहां लगाने वाले हैं पहले वो लगा लो, जो लगे हुए हैं फिर उनकी संभाल कर लो। तो ये सब जिम्मेवारों ने मिलके, 25 मेंबरों ने मिलके आज यही सेवा करनी है, बस बल्ले बल्ले, ठीक है ना। खाना खिला के, लंगर खिला के, भुखिया तो भगती नहीं होंगी, बेचारों ने कभी काम किया नहीं, इतने फावड़े या कुर्पियां वगैरह जितनी भी हो उतनी देना, कहीं हाथों से हाथ ना छिल जाए, तो उस तरीके से ये काम जो भी कर सके, हम ये नहीं कहते बाकी नहीं कर सकते, हम यहां बैठ के भजन सिमरन कर लेना, चुगली निंदा तो ना करना, ये आपसे प्रार्थना है कि इतने बैठे जकड़ मरी हो, फलाना कि में सी होए, वो तो गल गया होए, तू कह सही कर देगा जेड़ा गल गया, तू ना गली, बस मालिक रहमत करे। सो ख्याल रखना, चुगली निंदा ना शुरू कर देना। सो ये कोशिश करना कि आप पौधे लगाओ, या पौधों को सही तरीके से पालन पोषण के लिए उनका घास फूस निकालें। तो सात संगत ऑस्ट्रेलिया ने 4600 पौधे लगाए 1 घंटे में, यही है हमारे ख्याल से, और न्यूजीलैंड में सेवादारों ने 1543 पौधे। वाह भाई वाह, शाबाश सेवादारों, शाबाश, मालिक खुशियां दे। पौधारोपण के कॉन्ट्रैक्टर व अधिकारियों ने आप जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां दी हैं। जन्मदिन पर मानवता के भले के लिए पौधारोपण करने का आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया, शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे। जो भी प्रसाद सब साथ संगत ले बैठी है, सबका प्रसाद बन गया, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे। और प्यारे पिताजी, आप जी के पावन जन्मदिन 15 अगस्त में देश विदेश के लाखों की तादाद में साथ संगत ने ईमेल, मैसेज, फोन, फैक्स, ग्रीटिंग कार्ड, ई कार्ड, आप जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां भेजी है। साथ संगत इसी खुशी में पकवान बनाई बैठी है जी, आशीर्वाद। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पौधे लगा रहे, क्यों हटा दिया भाई, ये पौधे लगा रहे विदेशों में संगत, ये कहां की है, कैनेडा के, न्यूजीलैंड है के, कोई और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अभी चल रहा है वहां जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पौधारोपण आप देखिए, ये यहां भी जाते हैं, मां दे पुत्र चक देंदे फटे, इनू कहते फटे चकना पंजाबी च, किसी नू कुटना, किसी नू बैली पना दिखाना, वो फटे चकना नहीं होता, दिर फटे मूह हुंदा है, फटे चकना हुंदा इंसानियत दे काम करना, एक बहादरी करके दिखाउणी जिहदे नाल समाज दे बच्चे बच्चे दा भला हो जावे, ये है बहादरी, ये है अणख। शाबाश योधे हो, सच्चे योधे तुसी हो जिहड़े इंसानियत दे काम करदे हो, बाकी तो एवें गल्लां दे योधे है। सो मालक खुशियां बख्शे। ये देखिए कहीं पे सारे इकट्ठे होके खुशी मना रहे हैं, पौधे लगाए हैं उन्होंने, वहां के विदेशों के लोग भी उनके साथ हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, स्क्रीनें लगा के रखा करें भाई, चल रही है ना सारी स्क्रीनें, नहीं चल रही, चल रही है, ये देखिए बहनें भी लगी हुई हैं, बहनों देख लो, विदेशों में रहने वाली बहनें भी फावड़े उठा उठा के कैसे खड्डे खोद रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकती, बराबर का हिस्सा जब दिया तो काम भी बराबर का करना है।
और भी बहुत सारे प्रण अगर शाम को हो सके जो मानवता भलाई के लिए कदम उठाए जाएं, हमें सात संगत अगर सुझाव दे दे शाम को लागू कर देंगे कि आप ये काम शुरू करें। सारी सात संगत को संदेश दे देंगे, आप सुझाव दें जिनको लगता है कि हमें ये काम शुरू करने चाहिए। देखो मड़ासा मार लिया बुजुर्ग ने, हाँ लगे हुए हैं, शाबाश बेटा शाबाश। शायद वहां सर्दी काफी है। तो प्यारी सत्संग जी, आपने देखा न्यूजीलैंड की सात संगत 15 अगस्त की खुशी में न्यूजीलैंड की 9 बहने 6 भाई शाह श्रमिक नेशनल फोर्स बैंक का प्रसाद लेना चाहते हैं और दीन दुखी मध्य बैंक में 15,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। तो खड़े होकर नारा लगा दो बेटा और यहीं से प्रसाद ले लेना। सो यहां नाम दर्ज करवा देना, मालिक खुशियां दे। खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ जी, अब नारा लगाओ जोर से और बैठ जाओ। लाइव मैसेज है मलकीत इंसा गुरनाम इंसा परिवार सरी बीसी कैनेडा से, 15 अगस्त की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। तो वो यहां पे आए हुए हैं, परिवार वहां बैठा है और खुद यहां आए हुए हैं। तो मालिक खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और भी परिवार हैं, होशियार सिंह इंसा में चंद कौर इंसा, ये गुरुदेव इंसा का परिवार है सरी बीसी कैनेडा से, इनके माता पिता दीन दुखी मध्य बैंक में 50,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। ये जो लाइव देख रहे हैं इनके भाई भी हैं गुरुदेव जी के, तो मलकीत सिंह। और बाकी मोना बे नीतू इंसा एफस्पोर्ट कैनेडा से, संदीप इंसा बास्को डिगामा गोवा, मोना नीतू 20,000 और संदीप इंसा बास्को डिगामा गोवा से 8,300 रुपए। तो मालिक खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। विदेशों से आए शरण कौर इंसा, रमनीक इंसा, सुखमन इंसा वर्जीनिया अमेरिका से, खड़े हो जाइए। विदेशों से कनाडा, यूएई, इटली, ऑस्ट्रेलिया से भी सात संगत आई हुई है जी, सबका बहुत बहुत स्वागत। मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद बेटा। भारत के दूर दराज से अहमदाबाद गुजरात से 39 भाई आए हैं, और भी सात संगत दूर दराज से आई जी, आशीर्वाद। सो मालिक खुशियां बख्शे बेटा, प्रसाद ले लेना और सारे परिवारों के लिए भी लेके जाना, सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है। मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद आशीर्वाद जी बेटा। आएंगे आएंगे टाइम के अनुसार, जरूर गुजरात में भी जरूर आएंगे बेटा। और पिताजी आपके जन्मदिन की खुशी में सभी सत्रोमचारी सेवादार बहने 51,000 रुपए, खड़े हो जाएं। सभी सत्रोमचारी भाई 1,70,770 रुपए। शास्त्र हमारी गर्ल्स स्कूल कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया स्वीट रोजीज ब्लॉक के बच्चे 51,770 रुपए। सभी ब्रह्मचारी बहने 15,884 रुपए दीन दुखी मध्य में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। तो बेटा मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए और मालिक आपकी ओढ़ निभाए, वचनों पे चलने की मालिक आपको हिम्मत दे, सोजी दे, मन के हत्थे कभी ना चढ़ो, गुरुमुख बनो और मालिक के वचनानुसार हजारों पीढ़ियों को ही ना तारो, खुद भी यहां सचखंड के नजारे मानो और आगे भी नजारे मानो। मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। और बच्चों गेमों में, पढ़ाई में, नेकी में तरक्की करो, बाकी साथ संगत भी खुशियां माने, आशीर्वाद। सो प्रसाद ले लेना है, आशीर्वाद बेटा, बैठ जाना। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के लिटिल रोजेज टीचर्स व प्रिंसिपल, आज इस शुभ अवसर की आपको लाख लाख बधाई देते हैं जी। इस शुभ अवसर पर स्कूल के 50 टीचर ने रक्तदान किया है, वाह जी वाह, खड़े हो जाएं टीचर जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, अगर आए हुए हैं कुछ, शाबाश, बहुत बड़ी बात, खड़े रहो। इस और 500 पौधे लगाए हैं, वाह भाई वाह, पौधे लगाने वाले भी खड़े हो जाओ जिन्होंने भी लगाए हैं। और बच्चे, स्टाफ, प्रिंसिपल दीन दुखी मध्य बैंक में 15,07,770 रुपए जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात है भाई। नन्हे नन्हे ये बच्चे बेमिसाल है, 15,07,770 रुपए, और ये किसी से मांग के नहीं, अपने जेब खर्चे से दीन दुखियों की मदद में लगा रहे हैं, शाबाश बेटा शाबाश। सो मालिक आपको पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की दे, बचनों पे आप पक्के रहो, मालिक से दुआ करते हैं। और हर अच्छे नेक फील्ड में आप लोग तरक्की करो, घरों में खुशियां हैं, प्रसाद सब बच्चों ने ले लेना है। सो मालिक रहमो करम से सबको नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके
जो आप कार्ड बना के लाए हैं सब में लिखा हुआ है बहुत कुछ, कईयों का पढ़ा जा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जी और वी लव यू पापा जी, सो वी आर ऑल्सो सो मच लव यू आवर किड्स। सो सभी ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और डिजाइनिंग कर रखी है, तो सबको बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा बैठ जाइए, आशीर्वाद। जी 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 भाई, स्पीकर समिति के सेवादार 25,000 खड़े हो जाएं बेटा। स्वीट रोजेज ब्लॉक गुरुसर मोड़िया 2,00,000 रुपए, ये अलग से हैं, पहले भी दिए। और सिक्योरिटी वाले गनमैन भाई 25,770 रुपए खड़े हो जाएं। तो बहुत बहुत मालिक खुशियां बख्शे, परिवारों में घरों में खुशियां दे, अच्छे नए कामों में आप तरक्की करो और सेवा सिमरन में मन लगे। और जो शत्रुंजलि भाई अगर इनमें है तो मालिक और निभाए, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए तो बैठे रहना है, सत्संग जी जल्दी से आते जाना है। जिंदु के मध्य में पहला परिवार 5,100 रुपए जमा करवा रहा है आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण लड़का लड़की से 4 सदस्य परिवार के कर रहे हैं। सो नेत्रदान महादान। शादियां तो बहुत होती हैं, शराब पी के उठा मुंगो बुकदे भी बहुत देखे, शोर मचाते बहुत देखे हैं, सब्जियों के बीच गोबर के बीच कुश्ती लड़ते बहुत देखे हैं, लेकिन शादी वाले दिन अपने मरने के बाद आंखें दान करने वाले सतगुरु मौला के दरबार में देखें, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। छोटी बात है तो आप भी करो ताकि सारे समाज का भला हो, तो बहुत बड़ी बात है। शाबाश बच्चों, जो भी आप ऐसा कर रहे हो मालिक खुशियां बख्शे। लड़के का नाम है देवी चरण इंसा, पुत्र संतराम इंसा जी का निवासी बुंदिया जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। लड़के का नाम ललिता इंसा, पुत्री चैन साय इंसा जी की निवासी पूटा जिला कोरिया छत्तीसगढ़। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डाल रहे हैं जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले दूसरे परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 2,200 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की सभी परिवार के 8 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं जी। सो नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। लड़के का नाम अमित इंसा, पुत्र अशोक कुमार इंसा जी के निवासी कुरुक्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र। लड़की का नाम किरणदीप इंसा, पुत्री गुरजीत इंसा जी की निवासी रंगड़ी खेड़ा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डाले जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम कुलविंदर इंसा, पुत्र जगसीर सिंह इंसा जी का निवासी जोधपुर पाखर जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम करमजीत इंसा, पुत्री गुरजन सिंह इंसा जी की निवासी त्योणा जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डाले। प्यारे सत्संग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले जितने भी परिवार आए हैं, विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। सो ऐसे परिवारों में
मालिक से दुआ है आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, अब थोड़ा सा समय सज रहना, बैठे रहना है जी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है। और प्यारी सत्संग जियो, आप पढ़े लिखे सज्जन हैं, आर्किटेक्ट भी आए हैं, जैसा जिसकी बुद्धि है, जैसा दिमाग मालिक ने दिया, ये आपका घर है, इसको आप चाहें जैसा खूबसूरत बनाना, सादगी भी झलके और खूबसूरत भी बने, तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। सारी सत्संग जो भी दे सकता है कि शेड में क्या करें, बैठने का सिटिंग एरिया आपका कैसा अच्छा बने, किस तरह से सत्संग आराम से बैठ सके, जो भी आप चाहेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि उसको लागू किया जाए। क्योंकि आप अगर हमारे लिए इतना प्यार से मोहब्बत से हमें मजबूर कर दिया, तो हम आपको भी जरूर ये चाहेंगे कि आपके लिए भी कुछ और किया जाए, और आप आराम से बैठ के सत्संग सुन सकें, और डेरे को डेकोरेट कैसे किया जा सके, जिसमें आते ही आपको एक अलग तरह की खुशी का अनुभूति हो। वो तो वचनों से अनुभूति तो अब भी हो रही है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक देखने में भी, एक आंखों की, अगर दुनियावी आंखें कहें, उसको भी एक नशा सा आए। सो ऐसा कुछ आप लोग जो बताएंगे सुझाव जरूर। जुम्मेवार इधर भाई रुक जाए 25 मेंबर, और एक जुम्मेवार एडम वाला, इधर भी जुम्मेवार 25 मेंबर बहने और एक एडम वाली बहने यहीं रुकेंगे, और यहीं पे आपने सुझाव देना है। जो भी देना चाहें लिफ्ट में दे दो तो बहुत ही बढ़िया, वरना यहाँ मेज कुर्सी रख लें, कापी ले लें और लिखते रहें। उसका नाम लिखना है उस भाई का, बहन का, जो सुझाव देते हैं, और उसका फोन भी लिख लेना, ताकि अगर वो दिमाग में उसके कोई ऐसी है तो वो आके बनाए, खुला संदेश है, ताकि इसको और अच्छा और सुंदर बनाया जा सके। क्योंकि साथ संगत की चीज़ है, हर चीज़ फजूल खर्ची नहीं होगी, वो तो आप जानते हैं, सवाल पैदा ही नहीं होता, यहाँ की ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो मस्ताना जी के वचन हैं, वो तो वाकई सच है, हकीकत है। आज एक सत्संगी आए थे चंडीगढ़ से, तो पंचकूला से, वो कहने लगे पिताजी मैं हैरान हूं कि मेरे तो पैसे भी बच्चे दे रहे हैं। तो भाई पता नहीं कैसे बढ़ गया, कहते बैठे बैठे, और बढ़ा भी इतना कि कहता मैं हैरान हूं, सारे हैराना साहब किया, लेकिन वो बढ़ा हुआ है, कैसे बढ़ गया राम जाने। तो भाई जो सेवा करता है मालिक कमी तो नहीं छोड़ता, पर करो सच्चे दिल से। वो पंजाबी जी का कहावत है, बकरी दूध दिंदी है मींगणा घोल के, मींगणा ना घोलिया करो, औखा हो गया, ओए कपड़ा मैला हो गया, पुत्रा तो ली फिर की हो गया जी, हो गया था करीज खराब होगी, वो चक ली बट्टा जा फिर कसा ली, करीज फिर बन जूगी, वो छाले हो गए, वो छालिया दे रही पता नहीं किड़ा रोग कटिया जाना है, क्यों घबराना है। सो मर्जी है आपकी, करना वो जो कर सको, कितने पैर पूर देना मार बैठे हो, कितने ऊँ जोश चाके मारो तो मुंह बात चक लो, क्योंकि जब फावड़ा वगैरह चलाना होता है नीचे देख के, जिधर फावड़ा जा रहा है निगाह उसी में, जैसे क्रिकेट के टाइम बैट मारते तो बॉल में ही निगाह रखते हैं, उसी तरह जब आप गोडी वगैरह करते हो फावड़ा चलाओ तो निगाह फावड़े में ही, कि ऊपर गया तो ऊपर, निगाह साथ साथ नीचे कहीं पैर देना ना ठोक ले। सो ये पूरा ध्यान रखना है, कोई भी आप सेवा करते हो सो इसकी भी टेक्निक होती है, अपने अंदर ही अंदर चलानी चाहिए फावड़ा, या कसी आए नहीं भी आए चक्के आए घुमा के ले आऊं, इधर ले दे सिर पन दे, इधर ले दे पन दे, नहीं अपने आगे आगे ही चलाना चाहिए, ये भी एक टेक्निक होती है। जिमीदार तो सारे ही बने फिर दे, कलाकारी किसी किसी के पल्ले होती है, सो ये जरूरी है। पंजाबी जी कहते बुक्कल च कही चला, बुक्कल च कसिया चला, मतलब 10-20 लोग लगे हैं कि अपने आगे आगे अपने एरिया में चला, क्योंकि ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया तो इधर वाले चार फेंक दिए इधर वाले, ये तो सेवा कम हो गई, गिराना ज्यादा हो गया। सो ये पूरा ख्याल रखना है, जैसे सेवादारों को बताया जाए, सेवा खुल के करना, लंगर भोजन लेके, और उसके बाद भाई आराम करना है, आराम करें, सुमण करें, बस एक दो मिनट के लिए बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। एक दो मिनट के लिए सभी बहन भाई ऐसे ही सजे रहे जी।
धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत ने बहुत जरूरी सूचना को सुन फर के फिर खड़े होना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। राजस्थान की सारी संगत ने मोटर नंबर 16 पर जाना है। तीनों का बाग है, बाग में से घास फूस निकालना है। और बाकी हरियाणा, पंजाब और दूसरी सारी संगत ने मोटर नंबर 19, 18, 17 पर जाना है। और सभी 25 मेंबरों ने भी यहां आराम नहीं करना, मोटरों पर जाना है। मेन मोटरें 16, 17, 18 और 19, सभी 25 मेंबर वहां जाएंगे। सारी संगत ने लंगर खाकर जल्दी से जल्दी अपने जो 10-10, 12-12 पौधे 15-15 निकालने हैं, हम आपको वहां मिलेंगे। सारा सामान मिलेगा आपको, खुरपी दाती वगैरह जो भी अपने पास है सारा आपके सुपुर्द किया जाएगा। सभी ने ही जाना है, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे और मालिक का हुक्म भी माना जाएगा। मोटर नंबर 16, 17, 18, 19 ज्यादातर पंजाब हरियाणा ने 19 नंबर मोटर पर जाना है। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। जल्दी से लंगर खाकर जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाओ। दान दान सतगुरु तेरे ही। धन धन सतगुरु तेरे या। सभी एक मिनट के लिए बैठे भाई, आपको बेनती नहीं की आज्ञा के लिए, एक मिनट के लिए बैठे, बहुत ही जरूरी बेनती है। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, आपको समझ फिर ही आएगी। आप शोर बंद करेंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए बैठे, जल्दी पता चलता है कितनी देर में आप बैठते हैं। जल्दी बैठ जाएं एक मिनट के लिए, सभी बहने भी बैठे। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। बहुत अच्छी बात है, एकदम ही बैठ गए। थोड़े से भाई हरेक बीज वाले खड़े हैं, आप भी बैठ जाएं भाई। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगति, जैसे आपने अभी गुरु जी के इन मूल वचनों को सुना, आप लांगरी भाई जो आवाज सुन रहे हैं, लांगरी भाई उनको बेनती है, बहने भी लंगर छकाने वाली, भाई भी, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लंगर छकाएं बहनों को और भाइयों को। सेवादार ज्यादा लगा लें, संगत में भी आप लगा सकते हैं। दूसरी बेनती ध्यान से सुने, आपने पहले सेवा के लिए जाना है। जैसे भाई मोहनलाल जी ने आपको बेनती की कहां कहां मोटरों पे जाना है, तो आपने उधर 2 घंटे सेवा करनी है, 2 घंटे लगातार 2 घंटे सेवा करें, अपने पौधे वगैरह लगाने हैं जहां उसको सफाई करनी है वो करके, उसके बाद 15,000 बहन भाइयों ने जो शास्त्र राम जी बॉय स्कूल का ग्राउंड है, जहां अपने शास्त्र राम जी ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स का फंक्शन होता है, वहां एक और फंक्शन है, वो आपने उधर 12:30 हो गए, 1 बजे तक लंगर छकना है, और 1 बजे से ही आपने उधर जाके सेवा शुरू कर देनी है। 3 बजे आपने सेवा वो बंद कर देनी है, जो सेवा करनी चाहेंगे वो करते रहें। 15,000 लोग बहने और भाई दोनों मिलके वो उस ग्राउंड में आ जाएं जो शास्त्र राम जी बॉय स्कूल का है, और जो भाई हैं वो हॉस्पिटल की तरफ जो गेट है उस गेट में से आएंगे, और जो बहने या शास्त्र रामपुरा गेट के सामने जो गेट है उस गेट में से आएंगे। पर आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल उस टाइम आपने धक्का नहीं करना, लाइने लगानी है। जो आपने जिम्मेवार भाई हैं, सभी पंडाल समिति के, सेवा समिति के, उन्होंने पहला जे ड्यूटी पे पहुंच जाना है। जिन 25 मेंबर भाइयों की ड्यूटी उधर लगी है ग्राउंड में, वो अपनी ड्यूटी पे अभी चले जाएं, और सेवा समाप्ति के बाद भी सभी 25 मेंबर भाइयों ने, बहनों ने उस ड्यूटी पे जाना है। अब एक एक स्टेट का 25 मेंबर इधर टेबल लगाएगा अभी, और एक एक 25 मेंबर बहन सभी स्टेटों की वो इधर टेबल लगाएंगे। एक एक एडम ब्लॉक का इधर भाई उधर बहन इधर हाजिर रहेंगे। जैसे पिताई के वचनों को आपने सुना, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो इधर आके अभी आपने लिखती लिख के ले आए तो बहुत अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा। तो वो सुझाव भी इधर देना है। दूसरा, पहले लंगर लें, उसके बाद सेवा करें, उसके बाद आपने बॉय स्कूल में जाना है, वो थोड़ी देर का काम है, 5 बजे उधर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद शाम को 6 बजे रहानी जाम पिलाया जाएगा। जिन बहन भाइयों ने रहानी जाम नहीं पिया वो फार्म वगैरह भी जल्दी आपने बीच में इसी भर देने हैं, तो शाम को 6 बजे मेले शुरू हो जाएगी। भाई मोहनलाल जी बता रहे हैं 300 एकड़ बाग है, ये ऐसा ना हो कोई इधर रह जाए, ऐसा खुशी का दिन हो, उस खुशी को मनाने का तरीका भी पिताई ने बता दिया हो, खुशियां भी बेअंत वचन कर दिए हो, कोई ऐसा ना हो कोई इधर रह जाए। जे ध्यान रखा आपने, फटाफट लंगर लेके, जो लंगर लेना चाहते हैं, जो बिना लंगर से जाना चाहते हैं, जो पहले आप खा चुके हैं वो भी जा सकते हैं। तो इन मोटरों पर जाएं,
तो फटाफट सेवा करने के बाद आपने बॉयज स्कूल में, उसके बाद 5 बजे उधर समाप्त हो जाएगा और फिर आपने इधर मजलिस में आ जाना है। जिसके पास एक सिक्का होगा वो सिक्का आपके साथ लेते जाना। अब गुरु जी के एक अनुसार सभी साध संगत को आ गया है जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। और भी बोलना, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। जो भाई नशा छोड़ने के लिए आए हैं वो आगे आके बैठ जाएंगे, उनको यहीं पर जो है प्रसाद दिया जाएगा जी। और अगर नाम वाले हो गए तो शाम को नाम भी दिया जाएगा, लेकिन जो है अगर नाम वाले हुए तो। बाकी जैसा आपको बताया, शाम को 6 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी और उसी में जो है जामे इंसाफ पिलाया जाएगा जी। जिन भाई बहनों ने अभी फार्म नहीं भरे हैं वो फार्म अवश्य करके भर लें जी। एक बच्चा है जी, सुबह से गुम है, ये हरे रंग की जो है शर्ट पहने हुए है। जोर से बोल। नानक जी सागर वाले मिस्त्री थे।